हेलो प्यारे बच्चों, तो आपका आरएस करियर इंस्टीट्यूट लाइफ साइंस में आपका स्वागत है। और अपन सीएसआईआर नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जो है अपनी सेल बायोलॉजी यूनिट वो चल रही थी, तो उसमें अपन आज बात करते हैं लेक्चर नंबर 20 की। अब इसमें क्या है, देखो यहाँ पे कि यहाँ पे G2M ट्रांजिशन के बारे में पढ़ेंगे आज। कल अपन ने बताया था कि SG2 ट्रांजिशन के अंदर क्या डिस्कवर हुआ, अभी तक क्लियरली पता नहीं है मोलिकुलर लेवल पे। तो आज हम ट्रांजिशन की बात करेंगे, G2M ट्रांजिशन। इसमें क्या होता है कि ये सेल है, ये बस में इसमें क्या होता है, पहले CDK1 है वो कैसे रहता है, इनएक्टिव। CDK1 इनएक्टिव रहता है, तो यहाँ पे एक एंजाइम आता है जिसका नाम है V1। अब V1 क्या है, काइनेज है, मतलब क्या करेगा, फॉस्फेट ऐड करेगा, फॉस्फेट ऐड करेगा। तो CDK1 पे इसने क्या किया, 15 नंबर पे, 15 नंबर पे क्या लगा दिया, फॉस्फेट लगा दिया, ये बस में। और कौन से अमीनो एसिड पे फॉस्फेट लगाएगा, अगर प्रोटीन है तो अमीनो एसिड पे ही लगाएगा। तो 3 अमीनो एसिड पे फॉस्फेट लगता है, सेरीन, थ्रियोनिन और टायरोसिन, STY। तो यहाँ पे इसने लगाया 15 नंबर पे, टायरोसिन पे क्या लगाया, फॉस्फेट लगाया, और ये क्या हो गया, इनएक्टिव। तो V1 एक टाइप से क्या कर रहा है, इनहिबिटरी फॉस्फेट लगा रहा है, मतलब यहाँ पे ये जो प्रोटीन है वो क्या हो गया, इनएक्टिव। फिर एक और एंजाइम आता है जिसका नाम है केक, CDK एक्टिवेटिंग काइनेज, मतलब ये CDK पे क्या लगेगा, फॉस्फेट लगेगा। और इसने कहाँ लगाया, 161 नंबर पे क्या लगाया, फॉस्फेट, और ये क्या हो गया, इनएक्टिव। ये बस भाई, अभी जब 15 और 161 नंबर दोनों पे फॉस्फेट है, तब ये क्या रहेगा, इनएक्टिव। ये बस भाई, अब यहाँ पे एक एंजाइम आया CDC25 फॉस्फेटेज, फॉस्फेटेज है मतलब फॉस्फेट को रिमूव करेगा। तो इसने क्या किया, CDK1 पे जो 15 नंबर पे जो फॉस्फेट है उसको हटा दिया, और 161 फॉस्फेट है वो वैसा का वैसा रहा, तब ये क्या होता है, एक्टिव। तो यही नेट में आपको याद रखना है कि 15 नंबर पे तो फॉस्फेट नहीं होना चाहिए, 161 नंबर पे फॉस्फेट होना चाहिए, तब CDK1 क्या होता है, एक्टिव। जैसे ही एक्टिव होगा फिर G2 से कहाँ चला जाएगा, एम फेज में, जो अपनी सेल है वो चली जाएगी, सेल साइकिल। अभी जो मैंने थ्योरेटिकल बताया, अभी वो बता देता हूँ कैसे हुआ कि G2M ट्रांजिशन में क्या होता है, एक V1 एंजाइम आता है जो क्या है, काइनेज है। V1 क्या है, काइनेज है, मतलब फॉस्फेट ऐड करेगा। ये क्या करता है, 15 नंबर पे जो टायरोसिन है CDK1 में, उसको क्या करता है, फॉस्फोरिलेट करता है, मतलब फॉस्फेट ऐड करता है। वो क्या है, इनहिबिटरी फॉस्फेट है, मतलब क्या है, इनहिबिटरी का मतलब वो जो CDK1 है उसको इनएक्टिव करा देता है। फिर क्या होता है, CDC25 फॉस्फेटेज आता है, वो क्या करा है, जो 15 पोजिशन पे जो फॉस्फेट लगाया था टायरोसिन पे, उसको रिमूव कर देता है। बस में, तो इस CDK1 के फुली एक्टिवेशन के लिए क्या होना चाहिए, वहाँ पे क्या काइनेज आता है जो क्या करता है, 161 नंबर के जो अमाइनो एसिड है कौन सा होता है, सेरीन होता है, उस पर क्या कर देता है, फॉस्फेट ऐड कर देता है। मतलब 15 नंबर पे तो नहीं होना चाहिए और 161 नंबर पे होना चाहिए, यही नेट में पूछा हुआ है, तब क्या होता है, CDK1 एक्टिव। अगर दोनों वो दोनों पे फॉस्फेट ऐड हुए, 15 नंबर पे भी और 161 नंबर पे भी, तो भी इनएक्टिव रहेगा, और ओनली अगर 15 नंबर पे हुआ तो भी इनएक्टिव रहेगा। जब समय 15 नंबर पे नहीं होना चाहिए, 161 नंबर पे फॉस्फेट है होना चाहिए, तब CDK1 क्या होता है, एक्टिव। अब इसके बाद क्या है, फुली एक्टिवेशन के लिए 15 नंबर पे फॉस्फेट नहीं होना चाहिए, 161 नंबर पे फॉस्फेट होना चाहिए, ये नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ। यहाँ पे म्यूटेशन केस भी नेट में पूछ लेता है कि मान लो V1 तो प्लस का मतलब क्या है, वाइल्ड, वाइल्ड मतलब नॉर्मल, मतलब ये सही है, तो V1 तो सही है एकदम, और जो CDC25 है उसमें क्या है, म्यूटेशन है। तो देखो V1 का काम क्या था, एक टाइप से इनहिबिट कराने का था, मतलब उसको इनएक्टिव कराना था CDK1 को। ये बस नहीं, तो CDK1 क्या है, इनएक्टिव है। अब उसको एक्टिव कराने के लिए CDC25 चाहिए था फॉस्फेटेस, पर वो यहाँ पे क्या है, म्यूटेशन है, मतलब वो काम नहीं कर रहा है, नॉन फंक्शनल है। तो इसकी वजह से क्या होगा, सेल साइकिल G2 से M में नहीं जा पाएगी, तो वो कहाँ है, G2 के अंदर है, तो वो G2 में टाइम लेगा, डिले करेगा, तो उसकी वजह से G2 ग्रोथ फेज है, तो उसमें साइज क्या हो जाएगी इसकी, लार्ज। अब क्या है, दोनों नॉर्मल है, वाइल्ड है, वाइल्ड का मतलब आपको याद रखना है क्या होता है, नॉर्मल। तो V1 क्या है, ये भी वाइल्ड है, मतलब नॉर्मल है, CDC25 क्या है, ये भी नॉर्मल है, तो जो G2 है उसमें नॉर्मल साइज की सेल बनेगी ये बस में, और बाद में वो एम फेज में एंटर कर जाएगी। इसके बाद जो थर्ड म्यूटेशन केस है वो क्या है, कि V1 तो क्या है, नॉर्मल है, V1 म्यूटेशन है सॉरी, फिर इसके अलावा CDC25 है वो क्या है, नॉर्मल। तो इसमें देखो, इसमें क्या है, V1 म्यूटेशन है, ये बस नहीं, मतलब V1 म्यूटेशन है, तो अब इनएक्टिव नहीं होगा CDK1, मतलब उसको टाइम नहीं मिलेगा G2 में, वो डायरेक्ट कहाँ चले जाएगी, एम फेज में, क्योंकि CDC25 है वो क्या है, वो नॉर्मल है, ये बस नहीं, तो V1 में म्यूटेशन है, तो उसको टाइम नहीं मिला ग्रोथ फेज में, बट साइज बड़ी होने के लिए, तो सेल कैसी रह जाएगी, स्मॉल साइज, ये बस नहीं, क्योंकि G2 फेज है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट।
इसके बाद क्या है, V1 म्यूटेशन है और CDC25 में म्यूटेशन है। तो V1 का काम क्या था, 15 नंबर पे जो फॉस्फेट ऐड करना था ये बस में, अब वो ऐड नहीं होगा तो G2 में टाइम नहीं मिलेगा, ये बस में वो डायरेक्ट टाइम फेज में एंटर कर जाएगी ये बस में, तो सेल कैसी रहेगी, स्मॉल साइज। अब इसके बाद क्या है कि मान लो ये सेम केस है कि V1 में क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, तो V1 में म्यूटेशन हो गया तो मतलब 15 नंबर पे फॉस्फेट ऐड नहीं होगा, मतलब उसको G2 में टाइम नहीं मिलेगा ये बस नहीं, मतलब वो एक्टिव है डायरेक्ट टाइम फेज में एंटर कर जाएगी। G1 G2 जो है वो कैसी रहेगी, शॉर्ट रहेगी ये बस माई, तो जो डॉटर सेल है वो स्मॉल साइज की बनेगी क्योंकि उसको ग्रोथ करने के लिए टाइम ही नहीं मिला, G2 फेज में रुकने के लिए टाइम ही नहीं मिला, वो डायरेक्ट कहाँ एंटर कर गई, एम फेज के अंदर। अब इसके बाद क्या है, ओवर एक्सप्रेशन हो जाए V1 में, ओवर एक्सप्रेशन मतलब उसके जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा बने V1 के, तो इसकी वजह से क्या होगा कि V1 ज़्यादा है ये बस में, तो 15 नंबर पे फॉस्फेट ज़्यादा लगेंगे ये बस में, जितने भी V1 है जितने भी CDK1 है उन पर क्या लगेगा, फॉस्फेट। तो जो डॉटर सेल है उसको G2 में टाइम लगेगा, तो उसकी वजह से जो सेल की जो साइज़ है वो कैसे हो जाएगी, लार्ज, क्योंकि V1 में क्या हो गया, ओवर एक्सप्रेशन ये बस में, उसमें जो ग्रोथ फेज है उसमें उसको टाइम लगेगा, तो उसकी वजह से सेल कैसे हो जाएगी, लार्ज साइज़ की। तो ये नेट में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब मान लो जो सेल है वो G2 से M के अंदर एंटर कर गई, ये सारे क्या रेगुलेशन, नेट में क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा, ये वैसे प्रोसेस से क्वेश्चन नहीं आता। तो M फेज में बात करते हैं कि आपको पता है स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट होगा M फेज में आगे, मतलब जो माइक्रो ट्यूब्यूल से बने होते हैं स्पिंडल फाइबर वो अटैच होंगे ये बस में, तो कैसे अटैच होते हैं कि एक तो होता है जैसे ऐसे अटैच हो जाए एम्फीटेलिक, एम्फीटेलिक का मतलब जो क्रोमोजोम है उसके इस साइड भी स्पिंडल फाइबर अटैच हो और इस साइड भी अटैच हो ये बस में, तब तो क्या है वो सही है, ऐसे ही अटैच होना चाहिए, तभी तो वो दोनों तरफ क्या करेंगे, सिस्टक्रोमेटिड दोनों अलग अलग होंगे। अगर सिंटेलिक हो जाए मतलब एक साइड ही दो स्पिंडल फाइबर जुड़ जाए तो ये क्या है, रोंग है ये बस में, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोनोटेलिक मतलब एक साइड ही स्पिंडल फाइबर अटैच हो तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मीरोटेलिक मतलब एक साइड बहुत सारे क्या हो स्पिंडल फाइबर अटैच हो तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो अगर ये तीनों का अगर ये तो हुआ तो सही है, अगर इन तीनों में से कोई हुआ तो क्या हो सकता है, नॉन डिजंक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से कोई भी डिजीज हो सकता है, सिंड्रोम हो सकता है, जिसका नाम क्या है, एन्यूप्लोइडी, मतलब एक क्रोमोजोम कम एक क्रोमोजोम ज़्यादा हो सकता है। और नॉन डिजंक्शन क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोजोम वो सेपरेट नहीं होते, देखो इसमें सेपरेट कैसे होंगे, इधर स्पिंडल फाइबर ही अटैच नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद एम फेज में बात कर लेते हैं अपन एना फेज की, एना फेज में सबको पता है जो सिस्टोक्रोमेटिड है वो ब्रेक डाउन स्प्लिट होते हैं ये बस में, तो अब क्या होता है कि जो अपना क्रोमोजोम है उसमें क्या है, यहाँ पे काइनेटो कोर है, काइनेटो कोर है ये बस में, उस पर स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे। अब क्या होता है वो बीच में ना जो दोनों सिस्टोक्रोमेटिड है उसके बीच में क्या होता है, कोहेसिन होती है जो दोनों को जोड़ के रखती है, अब ये बस में आएगी। अब इसके लिए क्या होता है, वहाँ पे एक और एंजाइम होता है सेपेरेज ये बस में, सेपरेज पहले से किसके साथ सिक्योर रहता है, सिक्योरिन ये बस नहीं, पहले उसके साथ बाइंड रहता है और कैसे रहता है, इनएक्टिव। फिर वहाँ पे कौन आता है, एपीसी, जो क्या करता है सिक्योरिन के ऊपर बहुत सारे यूपी लगा के इसको तो भेज देता है यूपीएस में, और जो भी यूपीएस में जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिग्रेड, और जो सेपरेज है उसको करा देता है एक्टिव। सेपरेज का काम है कोहिसिन को डिग्रेड करना, फिर जैसे ही कोहिसिन डिग्रेड हो जाएगी ये बस में, तो जो ये जो जो अपनी कोहिसिन है वो डिग्रेड हो गई, तो अब जो सिस्टोक्रोमेटिड है ये बस में बाद में मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज होंगे, और एनाफेज के अंदर क्या होगा, दोनों सिस्टोक्रोमेटिड अलग अलग, इस कोहेसिन को यहाँ पे डिग्रेड करना पड़ता है, उसके लिए क्या होता है, ये अपन करते हैं ये बस नहीं, तो ये समझ में आ गया। अब जो मैंने अभी बताया वो क्या है कि कोहेसिन प्रोटीन क्या करते हैं, दोनों सिस्टोक्रोमेटिड को अटैच करके रखती है, क्रोमोजोम की जो दोनों सिस्टोक्रोमेटिड है उसको अटैच करके रखती है। कोहेसिन को डिग्रेड करने के लिए कौन सा एंजाइम आता है, वैसे सेपेरेज आता है, लेकिन उसको सिक्योरिन बाइंड करके क्या रखता है, इनएक्टिव। अब सेपेरेज को एक्टिव करने के लिए कौन आएगा, एपीसीसी आएगा, जो क्या करेगा सिक्योरिन को यूपीएस में भेज देता है, मतलब सिक्योरिन को डिग्रेड करा देता है, और सेपेरेज क्या हो गया, फ्री, और ये क्या कर देगा, जो अपना कोहेसिन है उसको डिग्रेड कर देगा बस में। अब जो एपीसीसी है इनको एक्टिव कराने का काम कर रहा है, उसका भी रेगुलेशन अपन पढ़ लेते हैं, यहाँ से भी नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पे होता है CDH1, वो पहले बाइंड होता है एपीसीसी से, वो कैसे रहता है, इनएक्टिव। फिर वहाँ पे आता है CDK1 और साइक्लिन बी, वो क्या करते हैं, फॉस्फेट ऐड करेंगे, तो यहाँ पे जो CDC20 है वो फॉस्फेट के साथ आ जाता है, किसके साथ, APCC, और ये कैसा हो रहता है, एक्टिव। तो आपको याद रखना है ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है एक्टिव किस किस में रहता है, एनाफेज, टेलोफेज और अर्ली जीवन में, ये नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो भी मैं बताता हूँ कि फिर वहाँ पे क्या होता है, CDH1 होता है, उसको फॉस्फेट ऐड कर देता है CDK4/6 और साइक्लिन डी, क्योंकि देखो अर्ली जीवन में कौन आ जाएंगे, CDK4/6 और साइक्लिन डी।
अब क्या करेंगे, ये पोस्टपेड ऐड करेंगे, और जो एपीसीसी है वो फिर से किसके साथ बाइंड हो जाएगा, CDH1 पोस्टपेड के साथ, और ये क्या हो जाएगी इनएक्टिव। तो ये इनएक्टिव कब रहती है, G1S, G2 प्रोफेज और मेटाफेज के अंदर, ये बस में। तो ये आपको याद रखना है, ये इनएक्टिव ये वाला कॉम्प्लेक्स किसमें मिलता है, G1S, G2 प्रोफेज, मेटाफेज, और ये वाला कॉम्प्लेक्स एक्टिव किसमें मिलता है, एनाफेज, टीलोफेज, अर्ली G1 में। तो ये नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इसके बाद बात करते हैं, ये बस में। तो ये इतना है, ये रेगुलेशन है। अब जो नेक्स्ट है अपन उसके में पढ़ेंगे, जो DNA डैमेज चेक पॉइंट है उनकी बात करेंगे। तो जितने भी रेगुलेशन है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये बस में। तो ये आपको एकदम अच्छे से कवर करना है। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब सब्सक्राइब RS करियर इंस्टीट्यूट लाइफ साइंस। एंड वेरी थैंक यू बच्चों।